नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर के विषय में समझते हैं, जिसे कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को हम लोग अक्सर ग्लट के नाम से भी पुकारते हैं। यह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। वास्तव में ग्लूकोज किसी सेल में दो प्रकार से जा सकता है, या तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण से वह अकेला ना जा पाए, और कोई दूसरा कैरियर मॉलिक्यूल इसको अपने साथ पकड़ के ले जाए, जिसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकेंडरी क्योंकि ये किसी और कार्य के प्रभाव में हो रहा है, और एक्टिव क्योंकि ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी स्पेंड होती है। तो सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जो SGLT के नाम से जाने जाते हैं, यह ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन सोडियम की मदद से। इसीलिए इन्हें सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, और यह कार्य होता है इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए, और किडनीज में जब फिल्टर्ड ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो होने के बाद जो ट्यूबुलर फ्लूइड में जा रहा है, वहां से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर देंगे। तो इस प्रकार से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा इंटेस्टाइन में और किडनीज में होता है, जबकि और स्थानों पर जो शरीर में आवागमन ग्लूकोज का होता है सर्कुलेशन से विभिन्न प्रकार की सेल्स में, वह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा होता है, जो कि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अर्थात यह किसी एनर्जी प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करता, यह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार वो आता जाता है। इसके प्रमुख जो अंग है जहां पे यह होता है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, और इसके अतिरिक्त शरीर की प्रत्येक सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता है एनर्जी के लिए, जिसके लिए वह इसे यूटिलाइज करती है। उस वहां पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स का होना आवश्यक है। तो बंधुओं, समझते हैं कि यह दोनों ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स किस प्रकार के होते हैं। वास्तव में जो SGLT सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर्स हैं और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ग्लट, ये दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक समान ही होता है। यह दोनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट इनके जो हेलिक्स हैं वो बने होते हैं। जो SGLT है उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक भिन्नता है कि इसका अमीनो टर्मिनल सेल के बाहर होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल अंदर होता है, जबकि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के अमीनो टर्मिनल भी सेल के अंदर होते हैं और कार्बोक्सी टर्मिनल भी सेल के अंदर होते हैं। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, या जिनको हमें आज अभी इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं, यह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर किसी सेल की मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, और दोनों तरफ इनके दोनों एंड्स निकले हुए हैं, और जैसे ही बाहर के एंड से ग्लूकोज प्रवेश करता है, इस सेल के अंदर आता है, यह ट्रांसपोर्टर्स अंदर से ओपन हो जाते हैं और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर धकेल देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक टू वे प्रोसेस है, बाहर से खुला ग्लूकोज को अंदर लेके, और उसके बाद फिर वो अंदर से खुल गया और ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया। वास्तव में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स अनेक प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यह तो कुछ विशेष ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, और इनके अतिरिक्त और भी बहुत हैं, 6 से लेकर 12 तक, और HMIT एक अलग प्रकार का ट्रांसपोर्टर्स जो कि बहुत अनकॉमन वेराइटीज के हैं। आइए इनमें से जो मुख्य ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लट 4, यही मेन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज में मिलता है। वह टिश्यूज जो इंसुलिन के प्रभाव में, जिनमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मुख्य कौन कौन से हैं, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स और एडिपोज टिश्यूज। तो जब इंसुलिन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वह इन स्केलेटल कार्डियक मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज में सेल में ग्लूकोज की एंट्री कराती है, और वास्तव में इन सेल्स में ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ही वह लिमिटिंग फैक्टर है जो कितना ग्लूकोज अंदर जाएगा उसको निर्धारित करते हैं। इंसुलिन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को 10 से 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो वास्तव में होता क्या है, देखिए, किसी सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में कुछ ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स किसी सिक्रेटरी वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। अब परेशानी यह है, ग्लूकोज बाहर है
और ट्रांसपोर्टर्स अंदर हैं, सेल मेम्ब्रेन पे यदि ये नहीं है तो ग्लूकोज किस प्रकार से इनके संपर्क में आएगा और किस प्रकार से अंदर जाएगा। वास्तव में इसी कार्य के लिए, क्योंकि अंदर साइटोप्लाज्मिक वेसिकल में पड़े हुए ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इनएक्टिव है, निष्प्रभावी है, और जब ग्लूकोज, जब ये सेल्स इंसुलिन के संपर्क में आती हैं, तब क्या होता है, इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करते ही जो अपने जो सिग्नलिंग करता है, पोस्ट रिसेप्टर सिग्नलिंग PI3 काइनेज, फॉस्फोइनोसिटाइल डेल्फॉस 3 काइनेज के माध्यम से यह इन सिक्रेटरी वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस कराता है। अब ये सिक्रेटरी वेसिकल्स मेम्ब्रेन पे आके उससे फ्यूज कर जाती हैं और इस प्रकार से ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं, यह ग्लूकोज इनके संपर्क में आके और सेल के अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे ही इंसुलिन का प्रभाव ये समाप्त होता है, यह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स GLUT4 एक बार दोबारा इंटरनलाइज हो जाते हैं और सिक्रेटरी वेसिकल्स के साथ में ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट में दोबारा स्टोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इंसुलिन का कार्य क्या है, इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट से निकालकर सेल मेम्ब्रेन तक लाना, जिससे वह ग्लूकोज को अंदर ले जा सके। तो इस प्रकार से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन के प्रभाव में ग्लूकोज की एंट्री कराते हैं इन इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज में। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज स्वयं में भी इस ग्लूकोज की एंट्री स्केलेटल मसल्स में करा सकती है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स को एक्सरसाइज के समय ग्लूकोज की जरूरत है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज कुछ अलग माध्यम से, कुछ अलग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स AMP एक्टिवेटेड काइनेज से, इंसुलिन PI3 काइनेज से कर रही है एक्सरसाइज, AMP एक्टिवेटेड काइनेज से इन सिक्रेटरी वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस करा के और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को सेल मेम्ब्रेन तक ले जाता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन के बिना भी एक्सरसाइज के माध्यम से हम स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज की एंट्री करा सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, क्या इंसुलिन ना हो तो शरीर की कोई सेल ग्लूकोज को इस प्रयोग भी नहीं ला पाएगी? वास्तव में हम ये देखें, डायबिटीज और विशेष रूप से टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन शरीर में नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, वहां पर ऐसा तो नहीं होता कि शरीर की कोई सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज ना कर पाए। वास्तव में जो शरीर की वाइटल सेल्स हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, वह सेल ग्लूकोज को इंटरनलाइज करने के लिए इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसलिए इन सेल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के स्थान पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 होता है, जो कि इंसुलिन के प्रभाव से इंडिपेंडेंट रहता है। ब्रेन, न्यूरॉन्स, आईज, RBC जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके, या प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटल टिश्यू और लैक्टेशन के दौरान मेमोरी टिश्यूज, यह वह टिश्यूज हैं जहां पे इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती और बिना इंसुलिन के ही ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच जाता है, जिससे ब्रेन डेड ना हो, न्यूरॉन डेड ना हो, जिससे हम देख सकें, जिससे RBCs ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में सक्रिय भाग ले सके, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस में भी ग्लूकोज पहुंचता रहे, या लैक्टेशन के दौरान मिल्क में भी यह ग्लूकोज या और कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचते रहे। तो इस प्रकार से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 बिना इंसुलिन की आवश्यकता के और सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचा सकता है। आइए दूसरे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को समझते हैं, GLUT2। यह GLUT2 शरीर के 3-4 टिश्यूज में होता है, जिनमें प्रमुख हैं बीटा सेल्स। वास्तव में बीटा सेल्स इस अपने ग्लूकोज को इसी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के माध्यम से अंदर लेती है, जिसके रेस्पॉन्स में वह इंसुलिन सिक्रीट करती। तो जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा ये ग्लूकोज अंदर आता है, तब उसकी मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न ATP से पोटेशियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स को उत्तेजित करते हुए कैल्शियम रिलीज करा के इंसुलिन का डिग्रेनुलेशन जो होता है बीटा सेल्स में, वह इसी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से होने वाली ग्लूकोज की एंट्री के रिस्पॉन्स में होता है। लिवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होते हैं, जो हेपेटोसाइट के अंदर ग्लूकोज की एंट्री कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 यह इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 की तरह। तो अब इसका अर्थ क्या ये हुआ कि यदि लिवर में
ग्लूकोज की एंट्री होनी है तो उसमें इंसुलिन का कोई रोल ही नहीं है। वास्तव में थोड़ा सा इस यहाँ पे एक तथ्य और भी ध्यान में रखना है, यह जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है ये एक बाई डायरेक्शनल पंप है। इसमें जिस प्रकार से ग्लूकोज अंदर आ सकता है उसी प्रकार से ग्लूकोज बाहर भी जा सकता है। तो यह तो बड़ी मुश्किल हो गई, बाहर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वह अंदर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हेपेटोसाइट में ग्लूकोज ज्यादा हुआ और बाहर ग्लूकोज कम हुआ वो बाहर लीक कर जाएगा। इसको रोकने के लिए हमको कुछ ऐसा तरीका रखना होगा यहाँ जिससे बिना चाहे ग्लूकोज सेल के बाहर हेपेटोसाइट के बाहर ना जाए, और वास्तव में यह वो कार्य है जो इंसुलिन के माध्यम से होता है। जब इंसुलिन हेपेटोसाइट पे अपने इंसुलिन रिसेप्टर से लगती है तब वह अंदर जाके इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है, जिसके लिए ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इंसुलिन इस ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जिससे ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम बनी रहती है। और ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम रहने से जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में है वह हेपेटोसाइट के अंदर प्रवेश करता रहता है, लेकिन बाहर ग्लूकोज कम होने पे अंदर का ग्लूकोज बाहर लीक नहीं कर पाता क्योंकि इंसुलिन इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज कर देता है। अब देखिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में भी होते हैं। वास्तव में इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 जो इन्हीं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में है वह फ्रक्टोज को अंदर ले जाते हैं। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज के इंटरनलाइजेशन के लिए, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ग्लट 2 और ग्लट 5 की आवश्यकता होती है। तो इंटेस्टाइन में यह ग्लट 2 और ग्लट 5 गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। अच्छा एक तथ्य और, जब ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज सेल के अंदर आ गए इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से, तो अभी इन्हें एक एपिथीलियम और भी क्रॉस करनी है क्योंकि ये यहाँ यूज नहीं हो रहे हैं, यहाँ से इन्हें ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए उनको इसकी बेसोलैटरल मेम्ब्रेन से भी गुजरना है, और इस बेसल लैटरल मेम्ब्रेन पर ये ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर्स दोबारा लगे होते हैं। तो जिस प्रकार से ग्लट 2 इंटेस्टिनल ल्यूमेन से इंटेस्टिनल सेल के अंदर गैलेक्टोज को ले जा रहे हैं, उसी प्रकार ग्लट 5 यह ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज को इस इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से इंटेस्टिनल वॉल में जो कैपिलरीज हैं उनमें भी ले जाते हैं। तो न केवल ग्लूकोज बल्कि गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन में बल्कि सभी प्रकार के हेक्सोजेस शुगर्स जो हैं उनके ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन में भी इंटेस्टिनल एपिथीलियम से आउट फ्लो के लिए भी यही ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 रिक्वायर्ड रहते हैं। अब यही प्रोसेस हमारा किडनीज में भी हो रहा है। जब किडनीज में यहाँ पे एक हम लोग SGLT2 की चर्चा बाद में करेंगे दूसरे वीडियोज में, लेकिन इन ट्यूबुलर ल्यूमेन में जो फिल्टर होके ग्लूकोज आया है वह SGLT2 के माध्यम से अब्सॉर्ब होकर सेल के अंदर आ जाता है, रीनल एपिथेलियल सेल, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में। और ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में जो ग्लूकोज है वह इन एपिथेलियल सेल से और इंटरस्टीशियम से होके कैपिलरीज में पहुंचने के लिए इंटेस्टिनल एपिथेलियल की सेल की तरह ही ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर्स की मदद लेता है। इस प्रकार से ग्लट 2 ट्रांसपोर्टर्स इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल और रीनल एपिथेलियल सेल दोनों से ग्लूकोज को आउटफ्लो करा के और कैपिलरीज में पहुंचाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हमने जाना कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कई प्रकार के होते हैं, यह विभिन्न सेल मेम्ब्रेन्स के से होकर और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। इनसे होने वाला ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है, जहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम ग्लूकोज कंसंट्रेशन की तरफ। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं और इसमें किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन की सहायता से इंसुलिन की मदद में मूव करते हैं और कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो मित्रों यह कुछ जानकारियां थी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या ग्लट के बारे में। दूसरे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो SGLT सोडियम ग्लूकोज
सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, इनके विषय में हम लोग अगले वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।